हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सारिका स्वाद किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी की सब्जी, जो बिल्कुल चटपटी और यूनिक स्टाइल में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमें सबसे पहले चाहिए लौकी। तो ये बिल्कुल फ्रेश लौकी है और ये 1 किलो से थोड़ी ज़्यादा है। आप कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और सबसे पहले हम इसे अच्छे से कट करके इसे छील लेंगे और साफ़ कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इस तरीके से सारी कट करके अच्छे से धो लिया है 2 से 3 पानी में और ये बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। अब इसके साथ हमें कुछ हरे मसाले की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने लिए प्याज और उसके साथ मैंने लिए टमाटर, सूखी हुई लाल मिर्चें और अदरक और उसके साथ लहसुन। और अब इनके सबके साथ मैंने लिया है कटोरी में 1 चम्मच करीब गेहूं का आटा। जी हाँ, गेहूं का आटा। सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है बट आगे मैं आपको बताती हूँ। चलिए तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 चम्मच करीब तेल लिया है और इसमें मैं अब सबसे पहले गेहूं का आटा, जो हमने 1 चम्मच लिया है, उसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे अच्छे से हमें भून लेना है। तो ये 1 से 1.5 मिनट में ही अच्छे से भून जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बट हाँ, कंटिन्यू इसे चलाते ज़रूर रहिए कि जिससे ये लगे ना। तो ये देखिए, ये हल्का हल्का सा गुलाबी होना स्टार्ट हो चुका है और ये पक रहा है, ये देखिए। और इसे हम मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे क्योंकि हाई फ्लेम में ये जल सकता है। तो ये देखिए, इस स्टेज तक हमें इसे अच्छे से पका लेना है। ये देखिए, अच्छे से पक चुका है, अच्छे से तेल में ये भुन गया है। अब इसे मैं एक कटोरी में निकाल लूँगी और अब इसके बाद सारा निकालने के बाद ये देखिए कुछ इस तरीके से मैं सब एक कटोरी में निकाल लूँगी। अब उसी कढ़ाई में 2 चम्मच करीब मैंने तेल लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा जीरा ऐड किया है और जीरा के दानों को हम अच्छे से फूटने देंगे। गैस का फ्लेम हाई टू मीडियम रखेंगे और उसके साथ हम इसमें सूखी लाल मिर्चें ऐड कर देंगे। इसे भी हम थोड़ा सा पकने देंगे और जब ये थोड़ा सा पक जाए तब इसमें हम प्याज ऐड करेंगे और गैस का फ्लेम थोड़ा सा हम हाई कर देंगे, ये देखिए। और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे और इसे हमें बिल्कुल सुनहरा होने तक ही पकाना है, ज़्यादा हमें डीप फ्राई नहीं करना है इसे। तो अभी हम इस बीच बीच में इसे चलाते हुए ये देखिए हल्का सुनहरा होना स्टार्ट हो चुका है, ये देखिए इस स्टेज तक। तब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसे भी हम 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे मीडियम फ्लेम में। ये देखिए, अच्छे से हम इसे चलाते हुए भून लेंगे सारी चीज़ों को। और ये जब अच्छे से भुन जाए, ये देखिए मैं इसे चला रही हूँ, ये देखिए इसके साथ प्याज भी अच्छे से पक चुकी है। इस स्टेज तक जब अदरक लहसुन और प्याज अच्छे से पक जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी और मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसे अच्छे से पका लेना है टमाटरों को भी। ये देखिए, हम बीच बीच में हल्के हाथ से इन्हें चलाते रहेंगे कि जिससे ये सारी चीज़ें नीचे ना लगे। और इस स्टेज तक जब पक जाए तब इसमें हल्दी पाउडर और उसके साथ साथ अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, क्योंकि जितना आप तीखा खाते हैं कम ज़्यादा कर सकते हैं। और उसी के साथ 1 चम्मच करीब धनिया पाउडर और उसके साथ अब हम ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। और इन सब चीज़ों को डालने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, जो उसकी रंगत को और बढ़ा देगा। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो बिल्कुल डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों के बाद हम लास्ट में ऐड करेंगे इसमें अमचूर पाउडर, जो कम 1 चम्मच करीब। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और बिना पानी डाले 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे, जिससे इसका टेस्ट भी अच्छा चटपटा आएगा। तो ये देखिए, ये अच्छे से भुनना स्टार्ट हो चुके हैं सारे मसाले और देखिए कितने अच्छे से भुन गए हैं, तेल भी अच्छे से इसने छोड़ दिया है और ये अच्छे से पक चुके हैं सारे मसाले। तो अब इन सारे मसालों को मैंने कुकर में पलट दिया और इसमें
डाल दिया है लौकी। तो हम कुकर में, प्रेशर कुकर में लौकी बनाएंगे जिससे ये जल्दी पकेगी और टेस्ट भी बहुत यम्मी आता है इसका। अब हमने जो रखा हुआ था आटा भून के, वो इसमें ऐड कर देंगे और उसमें पानी डाल देंगे, क्योंकि ग्रेवी को थिक और अच्छा टेस्ट देने के लिए मैंने आटे को इस तरीके से ऐड किया है। और ये देखिए, ये बहुत अच्छे से पक गई है लौकी, और इसकी ग्रेवी भी देखिए कितनी शानदार आई है। आप चाहें और ड्राई करना तो उसे और ड्राई कर सकते हैं, ये देखिए। और धनिया की हरी पत्तियों के साथ अब हम इसे सर्व करेंगे। तो ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है सर्व करने के लिए। तो ये देखिए, हमारी लौकी की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, और इसकी ग्रेवी भी देखिए बिल्कुल टेस्टी, यम्मी और कितनी थिकनेस है, क्योंकि इसमें कम स्टार्च होता है लौकी में, इसलिए इसकी थिकनेस को मेंटेन करने के लिए और अच्छा लुक देने के लिए मैंने आटे का यूज़ किया। तो एक बार ज़रूर बनाइए, आप भी खाइए, आप भी बनाइए और कमेंट्स करके मुझे बताइए। थैंक यू।